मंत्री के बजट से क्या बेरोजगारी दूर हुई है, इकोनॉमी के लिए कैसा है यह बजट और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए क्या रोड मैप बना है, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ दो मेहमान, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल जो कि हैं प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में, और साथ ही हैं दिलीप चिनॉय साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के। आप दोनों का स्वागत है। यामिनी, आपसे शुरू करते हैं, कैसा लगा आपको बजट? जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी, क्या वो आएगी अब? जी, बहुत अच्छा बजट है और बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट किया है। खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की है, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, सागरमाला प्रोजेक्ट हो, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जैसे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, आपकी कुकिंग गैस फैसिलिटीज़ हैं, पानी पहुंचाने की बात हो, एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट रिड्यूस करके स्टेट्स तक पहुंचाई जाए और उसको जो है फिर बाकी जगहों पर पहुंचाया जा सके। एक ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई है, वेस्ट जो है उसको ठीक करने के लिए जो है रूरल इकोनॉमी में बात की गई है। पीएम आवास योजना के थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई है, डिडक्शन दी गई है ताकि लोग होम लोन्स ले सकें और 35 लाख तक एक घर अफोर्ड कर सकें। तो बड़ी बुनियादी ज़रूरतें जिन्हें कहते हैं, जो 70 सालों में मिल जानी चाहिए थी लोगों को, चाहे वो कुकिंग गैस के थ्रू हो, चाहे वो सैनिटेशन फैसिलिटी के थ्रू हो, चाहे वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप हर एक तक पहुँचाने की बात हो, या फिर लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुँचाने की बात हो, ये सारी चीज़ों को देखा गया है। और साथ के साथ ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि बिज़नेस उसका काम नहीं है, पर वो सहूलियतें प्रोवाइड करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो सहूलियतें प्रोवाइड करना कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो सके, उसको प्रोवाइड करने की बात की है। सो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन, डू यू थिंक सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स हियर फॉर योर इंडस्ट्री? सो इफ यू लुक एट मैन्युफैक्चरिंग इन द होल बजट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बीन डन। I think the first thing is addressing the NBFC issue. Yeah. Because a lot of the fast moving the consumer durables sector were actually impacted by the lack of NBFC finance. True. So, addressing the NBFC sector is number one. Number two, what they have done is they've announced a very specific thing for very specific industries like vapor solar voltaic cells, fabs, lithium storage battery, solar electric, on which they're saying we will invite competitive bids and we will set up large scale manufacturing and give them a whole host of investment linked infrastructure exemptions under section 35AD, etc. The other thing which they have actually done in the budget is for getting people to reinvest, and this is especially for the small and medium industry, and if you look at them being a part of the manufacturing, the whole package of reforms for them, the 350 crores for the 2% interest subsidy, getting the NBFCs and them onto this trades network and factoring so that the payments come back, it's all geared to enable them to get money to go forward and invest. Of course, there's also the reduction of corporate tax for companies up to 400 crores, which should give them a little more money in their hands to invest and help in manufacturing. So I believe that manufacturing and has been a focus in this industry, and it's part of a long term program. It's something which will benefit this year, something True. Coming in a year or two afterwards, but it's all of this vision of creating a $5 trillion economy going forward. The roadmap looks to be set. So this was a reaction of FICCI, lekin ab jante hain ki CII kya keh rahi hai. CII ke mahanidheshak Chandrajit Banerjee ka kehna hai ki आम बजट में बहुत सारी खास विशेषताएं हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 खरब तक पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी। सर, आम बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बजट जो है हमारे जो एक विजन हम सेट किए हैं ताकि हम बजट का दरमियान हम इन्वेस्टमेंट जो कंजम्पशन डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है उसको हम ट्रिगर कर सकें, एंड आई थिंक द बजट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, जो एक स्ट्रॉन्ग फीचर्स बजट में है कि वो हमारे जो देश में एक कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड को उस पर ठीक से कर सके, ताकि हम 7% ग्रोथ और उसका आगे चलते हुए उससे ज़्यादा ग्रोथ हम लेके आ सकें इकॉनमी में, ताकि हम
ये साल $3 trillion और उसके बाद $5 trillion इकोनॉमी में हम जा सकते हैं। तो वुमेन्स के लिए बात की गई है कि 1 lakh का लोन वो ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात की गई है, तो उसके ऊपर आपका क्या? सो देखिए 50% ऑफ आर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन वुमेन इफ आई कैन से सो, एंड इट इज़ अ ह्यूज रोल दैट दे आर प्लेइंग, एंड आई थिंक टुडे द टाइप ऑफ लीडरशिप दैट वी हैव सीन कमिंग फ्रॉम वुमेन इन स्टार्टअप्स, अगर आप देखें इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी फोकस किए गए हैं, वर्क फोर्स वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव अ ह्यूज स्पेस इन एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी दिल्ली। सो थम्स अप फ्रॉम फिक्की, थम्स अप फ्रॉम CII, लेकिन बजट पर उद्योग जगत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि बजट को लेकर उद्योगपतियों का क्या कहना है। ये जानना जरूरी है कि आज 99.9% व्हीकल्स जो हमारी है वो नॉन इलेक्ट्रिक है, वो एक कंबशन इंजन है, उसकी एक बहुत ही एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, पूरा सप्लाई चेन है और लाखों जॉब्स उस पर निर्भर हैं। सो ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको एक बैलेंस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ्स जो हमने पिछले 30-40 सालों में बनाई हैं, ये स्ट्रेंथ्स को हम लेवरेज कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, और अपने आप को ना केवल हम इसको एक दो कंपनी के नज़रिए से ना देखें, अगर हम इसको एक सेक्टर के नज़रिए से देखते हैं और एक देश के नज़रिए से देखते हैं तो हम ज़रूर एक ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। विद द बेनिफिट्स दैट आर बीइंग गिवन टू स्टार्टअप्स, सो शी सेड शी विल रिजॉल्व द एंजल टैक्स इशू व्हिच इज अफेक्टिंग द स्टार्टअप्स। वी हैव टू सी द डिटेल्स इन द बिल, बट अगेन एन एरिया व्हिच विल सर्टनली हेल्प इफ इट्स रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इट विल रियली हेल्प इन यू नो बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दैट वॉज अराउंड इन्वेस्टमेंट्स, अराउंड प्रोसीजरल एंड अदर सिंप्लीफिकेशन फॉर टैक्स पेयर्स, अगेन देर आर सम इनिशिएटिव्स for companies, you know, there is this dispute resolution scheme which has been introduced for your this is only indirect tax, this is for your pre-GST disputes, and I think it's very, very welcome. हम लोग ये सोच रहे थे कदा नेक्स्ट बजट में आएगा कि स्लू ऑफ बेनिफिट्स के जो सेक्टर को जो मिले, जैसे कि फिस्कल बेनिफिट हो, इनकम टैक्स बेनिफिट हो, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसा लगाए, रिस्क कैपिटल लगाए, उसकी जरूरत। और सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की है कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स किया हुआ है कि भैया रिटर्न आपके सिंप्लीफाई हो गए, GST से काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और जो डीमो के बाद एक लोगों को मानना था कि कैश से तो चलो बड़ा वी शुड गेट इनटू डिजिटल इकोनॉमी, उसको एक बढ़ावा दिया है, ये सब अच्छी चीज़ है। पहली दफ़ा किसी बजट में अलग जो काम करते हैं महिलाएँ, मतलब इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात की थी कि उसे हम पूरे देश में उस प्रोग्राम को हम फैलाएंगे और उनको एक्स्ट्रा लोन्स देंगे, ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो श्रमदान करते हैं उसमें करीब 65% महिला है। पूरे देश में आप घूमेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, असम हो, कहीं भी, सरकार की नीयत तो है फार्मर की इनकम बढ़ाने की, और ये एक मुश्किल टारगेट भी है, कोई एक गोल जब भी रखा जाता है वो थोड़ा मुश्किल रखा जाता है, उसको पूरा करने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं उसको कहीं एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, फार्मर को प्राइस बढ़ा ज़्यादा दिया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसे नए काम करवाए जाएँ, अब की जैसे फिशरीज़ का ज़्यादा जोर था या क्लस्टर बेस्ड बैम्बू, हनी, खादी, ये सारी चीज़ें रूरल इनकम, फार्मर इनकम बजाय खाली एग्रीकल्चर से देखने के उसमें और चीज़ें भी जोड़ी जा रही हैं। चलिए फार्मर्स की बात कर लेते हैं, क्या लगता है इस बजट से रूरल डिस्ट्रेस जो था वो दूर होता हुआ नज़र आएगा, लग रहा है कहीं से आपको, कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स तो बड़ी दिखी नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले सत्रों में सरकार ने काफ़ी चीज़ें की हैं, जैसे MSP को 1.5 टाइम्स किया था, या फिर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की थी, ENAM की प्रोविज़न प्रोवाइड किया है ताकि फेयर प्राइसेस मिल सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को। एक बहुत अच्छी बात जो कही है उन्होंने, कहा है कि जो फार्मर्स हैं वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को नहीं यूज़ कर पाते, जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन है वो जो है ज़्यादा वॉल्यूम्स की तरफ बिके तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। प्राइसेस बढ़ने से जो है देश का भी नुकसान होता है और महंगाई बढ़ती है, पर फार्मर्स को बेनिफिट मिले उनके प्रोड्यूस का वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के थ्रू मिल सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करें और ज़्यादा उनको पैसे मुहैया करा सकें। तो फार्मर्स को संगठित करने की बात की गई है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है।
ऐसे ही जो प्रीवियसली जो बात की गई है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स की बात की गई है या फिर क्लस्टर डेवलपमेंट्स की बात की गई है, उनकी डेयरी फार्मिंग्स की बात की गई है और फिशरीज़ को उनके साथ जोड़ने की बात की गई है, तो उनसे कहा गया है कि सिर्फ वो एग्रीकल्चर पर निर्भर ना करें और भी चीज़ों के ऊपर जो है वो चीज़ें देखें और उसके जो है थ्रू आय अपनी बढ़ाएं। एक और चीज़ जो उन्होंने कोशिश की है कि फार्मर्स में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अगर लोन्स की ज़रूरत हो तो लोन्स भी प्रोवाइड किए जा सके। जी, एंड व्हाट अबाउट एफडीआई? आई मीन देयर वर सम टॉक्स अबाउट एविएशन इंश्योरेंस एंड मीडिया, सो डू यू थिंक दिस विल बी लाइक इवन दे टॉक्ड अबाउट द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, so this is going to help and this is going to bring FDI to India? So I think related to FDI, there were two parts in the budget. The first part actually said that even though there was a global slowdown and there were different pockets there, the FDI, total FDI investment in India grew at 6%. Hmm. So that was one thing. And then you said that, okay, we will look at reassessing the FDI limits in aviation, media, which is really animation and gaming sector there, as well as insurance, and then of course insurance intermediaries they've talked about it. But there are a lot of other initiatives mentioned in other parts of the budget about ease of investment for FPIs, the the clubbing of the NRI and FPI investment, looking at FPIs to invest in NBFCs and in REITs and all of that. So there is a lot relating to foreign direct investment there. And the most innovative thing that they've talked about has never happened so far in independent India is the government looking at foreign borrowing. That is very important because then that will not crowd out private sector, availability of money for the private sector. So, if you're looking at it, it is in different parts of the budget. And in fact, the point that I made about manufacturing, that is also attracting FDI. Hmm. So there is one level at policy, then there's another thing at easing FDI regulations, and the third is attracting it to specific sectors. So to get into the path, there's a fourth element also. Yes, yes, please. They have looked at increasing the customs duty on specific items, for example, air conditioners and electronic goods, to actually enable investment into India, and yet freeing up the import of capital goods for manufacturing electric items from customs duty. So there's a whole strategy behind knitting the things together behind what we did in one paragraph. Yeah, so in fact, they were talking about, when you go on the road towards the $5 trillion economy, so exports need to be improved. So what do you think for exports here in the budget? There has not been a specific focus on exports which has been there, but if you look at the exports market, what is necessary for the exports market is that your cost of production is reduced. So when you actually provide an infrastructure which is a low cost electricity, let's say, easy e-governance which provides for easy licensing or easy access to other infrastructure which is there, you provide for better roads and other facilities that are there, or let's say better railways, good infrastructure for railways also, your freight cost and the other costs automatically reduce. And when your cost per unit actually reduces, you can actually sell it in the international markets. So thereby, they have tried to create a situation where manufacturing is somewhere or the other incentivized with the lower cost of infrastructure which the government is willing to provide for or invest into, whether it is through the railways, whether it is through roadways, whether it is through airports, whether it is through investments in the aviation sector or the others. जी, और दिलीप, अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करें जैसे रियल एस्टेट सेक्टर या ऑटो सेक्टर, वहाँ पर कुछ आपने देखा कि कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार बजट में? तो ऑटो सेक्टर में जो बजट स्पीच में द फोकस वाज ऑन द फेम टू एंड द इंसेंटिव फॉर इंसेंटिव, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनको इनकम टैक्स जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इनकम टैक्स की राहत मिलेगी, और उसका एक कैलकुलेशन करके बताया गया था. लेकिन अगर आप देखें तो जो आरबीआई की अभी जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने दो कारण किए थे कि व्हीकल सेल्स इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं. एक तो था पेट्रोलियम का प्राइस और दूसरा था एनबीएफसीज. तो उन्होंने एनबीएफसीज का एक तरीके से उसको एड्रेस किया था, लेकिन जो सेस आया है पेट्रोलियम पे वो एक दूसरे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि यू हैव टू रेज रिसोर्सेज. तीसरा, जो कस्टम्स ड्यूटी में आया है,
और वो एक तरीके से समझ में ओवरऑल स्कीम में क्या है, उन्होंने थोड़े से जो आइटम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उसमें कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस किए हैं, थोड़े जो आइटम्स वो जो सोचते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज़ किया है, और CBUs में और जो कमर्शियल व्हीकल के बॉडीज़ है उसमें 10% कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज़ किया है। तो और कई ऑटो पार्ट्स है जैसे मिरर्स हो या दूसरे कैटलिटिक कन्वर्टर्स हो, उसमें उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज़ किया है। तो वेदर ये इनका अगर स्ट्रैटेजी है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बिकॉज ये कहीं से पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट हो रहे थे और उसको कुछ करना है वो होगा, या अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, दिस इसका आगे जाके पता लगेगा क्या स्ट्रैटेजी था। लेकिन जो बजट स्पीच में खाली फेम मेंशन था, उसमें जो एनेक्शर्स थे जो डॉक्यूमेंट के साथ मिले, स्पीच में नहीं था, उसमें एक ऑटो सेक्टर में काफ़ी एक तरीके से कस्टम्स ड्यूटी में काफ़ी चेंज किया, और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में GST का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 12 से 5% लेके आएंगे। तो एक दिस इज व्हाट शी इज एक्चुअली डन। जी, जो अच्छी बात थी वो तो हमें सुनाई दे गई, लेकिन जहाँ पर जोर लगा वहाँ पर वो एडिक्शंस में थी। यामिनी, अगर हम पेट्रोल डीजल के सेस की बात करें तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन, या फिर पेट्रोल डीजल वाली कारों को डिसइन्वेस्टनाइज करना, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? क्या इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा आगे जाके इसको लेकर? एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया रहा है गवर्नमेंट का कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन रखे, कि जितने भी खर्चे कर रही है उसके लिए सफिशिएंट रेवेन्यूज़ हों। तो उसके लिए उन्होंने जो है टैक्स लगाने की कोशिश किया, और उन्होंने ये कहा है कि ये टैक्स का असर इतना महंगाई पे नहीं पड़ेगा या बढ़े हुए दामों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आगे आने वाले सत्रों में कम होगी। तो जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो जो है इतनी महंगाई नहीं बढ़ाएगा, हो सकता है अभी बढ़ाए क्योंकि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े हुए, पर क्योंकि आगे आने वाले सत्र में कम हो जाएंगे तो नहीं होगा। एक और चीज़ जो देखी गई है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सीधा उसका असर महंगाई पे होता है और लोगों के ऊपर मार पड़ती है। तो वो महंगाई का दर कम करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की है कि पेट्रोल और डीजल, और ये टैक्स एक, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स या जो है वो ज़्यादातर रिच लोग यूज़ करते हैं, उनको भी थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज किया है कि आप पेट्रोल की कार्स को कारपूल के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू यूज़ करिए, ताकि जो है पेट्रोल की थोड़ी आप बचत करें। लेकिन एक जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डीजल के भी प्राइसेस बढ़ेंगी आपकी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड गुड्स या बाकी गुड्स का, उसके ऊपर सीधा असर पड़ेगा और प्राइसेस बढ़ सकती हैं कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ की। पर क्योंकि आपका जो महंगाई का दर है वो काफ़ी लो है, तो थोड़ी बहुत महंगाई ज़रूरी होती है एक इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। अगर हम इकॉनमी को 5 trillion पे लेके जाना चाहते हैं और इंडस्ट्री को या बाकी लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं प्रोडक्शन के लिए, थोड़ा महंगाई का दर ज़रूरी होता है। Unemployment was a big issue in these elections. So, have they tried to find out some solution about unemployment? With what do you see after the budget, job creation and all? So, the unemployment focus has been done in multiple ways. The first is looking at improving growth, right? So, the improving growth, it's again first infrastructure, the amount of money that they're investing in infrastructure. It will attract more employment, create more employment, whether it be the Sagarmala or the dedicated freight corridor or the 1 lakh crores that they want to invest in the national highway program. The second thing about employment is this huge focus on affordable housing, where again to create the housing you require people to actually build the houses and the back end, the cement and the steel and all of that. The third thing that they have done here is to stimulate demand by getting the NBFCs back onto track. The fourth is again very interesting, to look at the agricultural infrastructure. The numbers have not come out, but the numbers are huge in terms of increase in the agriculture space in the budget. They're looking at the irrigation, this whole Jal program of water, so getting piped water to every house means you need pipes, you need pumps, you need a lot of other things. So if you're going to increase capacity there, either people will invest more and create more jobs. Then they've talked about the labor code, the 4 labor codes coming in. And then they have talked about the self-help groups, each woman getting 5,000 rupees if they got a Jandhan account, and one woman getting a loan of 1 lakh from the Mudra. The Spruti effect for traditional clusters
for creating common facilities. Stand-up. The Stand-up India, the Startup India, the technical incubators, the 10,000 FPOs that they're creating. So they're creating a lot of things around the ecosystem to generate employment. And of course, they've talked about the skill program and the future skills in artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and 3D printing. So it is addressing the need to, one, create more employment, and second is to make the people available for the jobs of the future. बिल्कुल, तो एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं कि आप काम तो करना शुरू कीजिए, पैसे हम आपको देंगे और मुहैया करवाएंगे. और साथ ही अगर हम जिस तरह से एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे दिलीप, तो किस तरह से अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने की बात की गई है वो हम आपको दिखाते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे. शुक्रिया सोनिया, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जाए. और इस बार बजट में ग्रामीण भारत पर पूरा फोकस किया गया है और बजट स्पीच जो आज आई उसमें ये पूरी तरह से इसकी तस्वीर दिखाई देती है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में लाभार्थियों को 1,95,00,000 घर दिए जाएंगे. ये वो पहला ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने के लिए जो इस बार बजट में ऐलान किया गया है. साथ ही वित्त मंत्री ने एक बड़ी बात यह बताई है कि पहले आवासों को बनाने में 314 दिन लगते थे लेकिन अब सिर्फ 114 दिन लगते हैं, यानी कि काम में तेजी लाई जा रही है. जो लक्ष्य है ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने का, उसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है. दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये कि 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा पहुंचाने का ऐलान किया गया है, यानी कि ये सहूलियत अगले 3 साल में हर एक गांव के हर एक परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. ये बात आज के बजट भाषण में निकल कर आई है. जो तीसरा मुख्य बिंदु है, सरकार ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों को बनाने का लक्ष्य रखा है और अगले 5 साल में यह काम पूरा किया जाएगा और इसको लेकर प्रयास तेजी से जारी है. और चौथा पॉइंट जो सबसे अहम भी है कि कृषि ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमियों के लिए 100 इंक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी. आपको बता दें कि 2019-20 के दौरान 100 नए बांस, शहद, खादी क्लस्टर की स्थापना होगी और ऐसे उद्योगों में कौशल विकास के लिए 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे और इसी के साथ ही IT विकास के लिए 20 बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे. जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने का, वो ये कि केंद्र राज्य सरकारें 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल सुनिश्चित करेंगी, यानी कि हर घर तक पीने के पानी की पहुंच सुनिश्चित होगी. सरकार की ये पूरी कोशिश है. इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक यानी कि हर गांव में स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है. यह अभियान काफी दिनों से जारी है और ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. वो सामने भी ये तस्वीर दिख रही है. और इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान का हर पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी लक्ष्य है कि किस तरीके से ग्रामीण भारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और इसके माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है इसके लक्ष्य को भी रखा गया है. इस बार के बजट भाषण में ये बात सामने आई. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,200 पंचायत 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की भी घोषणा बजट भाषण में की गई. साथ ही जीरो बजट खेती को ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहित किया जाएगा. और जो सबसे महत्वपूर्ण कि गांव, गरीब और किसान सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में है और सरकार का कहना भी है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, ग्रामीण भारत की तस्वीर जो है वो बदलनी है. इसके लिए सरकार की पूरी कोशिश है और इस बार का जो बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा है उसमें वो तस्वीर हमें देखने को मिलती है. और इसके साथ ही जो न्यू इनिशिएटिव हैं, नई पहले हैं, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे अहम कदम उठाए हैं. इस बार आम बजट में कई नई और प्रमुख बातें जो है वो सामने आई हैं जिनका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है. भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल $3 ट्रिलियन की हो रही है. परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर बात करें तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. तो न्यू इनिशिएटिव के तहत जो कदम उठाए गए हैं, जो बजट भाषण में सामने निकल कर आए हैं, वो ये कि भारत की अंतरिक्ष क्षमता का व्यावसायिक दोहन के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की घोषणा इस बार की गई है. साथ ही विश्व स्तरीय संस्थानों के निर्माण के लिए 400
करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा भारत आने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए आधार कार्ड का प्रस्ताव किया गया है, जो कि पहले नहीं था। और प्रवासी भारतीयों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि भारत आने पर उनको आधार कार्ड को प्रस्तावित किया गया है। साथ ही नए देशों में भारतीय दूतावासों उच्च आयोगों को खोलने का फैसला लिया गया है। ये वो न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार के बजट भाषण में निकल कर सामने आए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 2.5 लाख रुपए तक की माली मदद की भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही स्टार्टअप द्वारा लिए गए फंड पर कोई जांच नहीं होगी। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण, विश्व स्तरीय कंपनियों को नए उद्योगों में मेगा कारखाने स्थापित करने का निमंत्रण, ये जो बातें हैं वो इस बार न्यू इनिशिएटिव के तहत बजट भाषण में निकल कर आई हैं। और आदिवासी जो भारत है, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए डिजिटल आर्काइव्स बनाने का प्रस्ताव इस बार के बजट भाषण में पेश किया गया है। साथ ही विदेशी छात्रों को भारत लाने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की बात कही गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी छात्र भारत में पढ़ने के लिए आएं, आकर्षित हों। और अन्नदाता से ऊर्जादाता, सरकार के समर्थन से उद्यमी किसानों को अब बिजली उत्पादक बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी इस बार बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताई। सोनिया, ओवर टू यू। जी ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जैसे कि आपने बताया कि गांव और किसान के लिए क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, वहीं मैं गरीब पर भी आना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने उसका भी मेंशन किया था जब वो रूरल के बारे में बात कर रही थी। कि यामिनी, ये बताएं कि PSU की ज़मीन पर सस्ती हाउसिंग जो बनाने की बात हुई है, वो किस तरह से होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है? जी, काफ़ी जो उन्होंने एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके अंदर, जिसके ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल कराई जा सकती है। और ये कहा गया है कि कितने लोगों तक वो पहुंचाई जाएगी, एक पर्टिकुलर सीमा तक। तो जब वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके 81 लाख घर बनाने की 81 लाख घर बनाने की जो योजना है, हाँ, वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जो सपना देखा गया है कि 2024 तक सबके पास घर होगा, सबके पास क्लीन कुकिंग गैस होगी और सबके पास पानी की व्यवस्था होगी। जी, एंड दिलीप, आई वुड लाइक टू कम टू यू। दी सनराइज सेक्टर्स, हाउ डू यू थिंक दे आर गोना बेनिफिट, स्पेशली विद द इन्वेस्टमेंट लिंक बेनिफिट्स दैट दे टॉकिंग अबाउट, द मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, दे गोना गिव सम इंसेंटिव्स? सो देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द बजट लुकिंग एट द सेक्टर्स सच एज फैब्स, सच एज यू नो सोलर इक्विपमेंट, सच एज लिथियम आयन बैटरीज, where they are saying they'll invite competitive bids and they'll give investment based subsidy, especially under section 35AD for them. So, you know, in the earlier discussion in foreign investment, I talked about this will act as a foreign investment also, you know, attracting foreign investment. I believe that this is something which is a very good step. And you know, in the housing question that you asked, jo aapne pehle housing ke bare mein pucha tha, उसमें ये अर्बन सेंटर्स में वर्कर हाउसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर उसको भी किया जाए, और जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट हाउसिंग के लिए किया है, गवर्नमेंट हाउसिंग को रीबिल्ड किया है, और बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कुछ नहीं हुआ, एक मॉडल निकाला है जिससे वो रिटेल था। तो ऐसे वर्कर हाउसिंग के माइग्रेटरी वर्कर हाउसिंग के लिए, वर्कर हाउस और स्पेशली जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, और इसमें पैनल में मैं माइनॉरिटी हूँ, तो ये वुमेन के लिए हॉस्टल्स करना और वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स। वन अदर इशू यू नो विच इज समिंग अप इन द बजट विच नॉट कॉट एवरीबडीज अटेंशन, इन रिलेट्स टू एनर्जी, एंड दिस बजट हैज एक्चुअली सिग्नल्ड समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल, दैट द माही बंसवारा ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट, the Kaiga Atomic Power Project, the Gorakhpur Power Project, and the Chutka Atomic Power Project, they've announced zero duty for imports of capital goods. And also they've reduced the import duty on uranium. So this nuclear power as being a part of the overall power, as part of being the green budget, is also, you know, hidden in the in somewhere inside in the annexures. And I just hope that the Indian companies who actually manufacture similar products are given a level playing field to compete with this. About the rental housing and the model rental, something they were talking about, tenancy law.
tenancy. So what about that? I mean, if you could explain that. You know, a lot of people would actually not give their houses on rent at many of the urban places because they would actually fear that the tenant would actually stay there and would not leave it. So usually in many places, you will see that people give houses only for 11 months and they keep renewing the contracts primarily because they want to save their houses from the tenants. Now, the laws are pretty old and they somehow do not support the landlord, and because of which a lot of houses lie vacant and people who need the rented accommodations are unable to afford these rented accommodations or are able to have them. As a result, you know, the supply and the demand mismatches tend to happen. Now, the government wants to bring in an act or a model law, which is tenancy law, which allows the housing sector to provide for the needs of the people and support the system so that when people have better housing to live at, they can contribute better in the productivity of the nation. जी, लेकिन जो हाउसिंग सेक्टर का रेगुलेशन है उसमें कई बदलाव किए गए हैं और साथ ही चलिए हम आपको लिए चलते हैं दोबारा अमृता के पास, जो हमें बताएंगी कि बैंक्स के लिए क्या कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार बजट में। शुक्रिया सोनिया। और अगर सबसे पहले अगर बात मैं इनकम टैक्स की करूं तो हर बार जब भी बजट आने वाला होता है, इनकम टैक्स खासकर नौकरी पेशा जो लोग होती हैं उनकी निगाहें इसके स्लैब को लेकर सबसे ज़्यादा टिकी होती हैं, लेकिन इस बार उम्मीद के ही मुताबिक आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि जो कर संग्रह से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं जो इस बार बजट के भाषण में निकल कर आए हैं, वो ये कि कर संग्रह 2018-19 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ये एक बड़ा इजाफा हुआ है और इसको स्ट्रेस देकर वित्त मंत्री ने इस बार बजट भाषण में बताया। साथ ही 5 करोड़ रुपए से कम के सालाना कारोबार वाले करदाताओं को त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना होगा, ये बात भी इस बार निकलकर सामने आई है। साथ ही प्रत्यक्ष कर 2014 से 2019 के बीच 78% बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है और इसको लेकर स्ट्रेस देकर इन्होंने इस बात को बताया कि जिस तरीके से कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई और इसके लिए इन्होंने जो करदाता है उनका धन्यवाद भी किया है। 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के लिए कोई आयकर नहीं है। साथ ही कर प्रशासन को सरल बनाने, अधिक जवाबदेही बनाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। आज बजट भाषण में ये बात सामने आई। साथ ही जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रत्यक्ष कर 2014 से 19 के बीच 78% बढ़ा है और इसे लेकर वित्त मंत्री ने जो आयकरदाता हैं उनकी तारीफ की है क्योंकि देश की इकॉनमी को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के लिए आयकर की कोई आयकर नहीं लगेगा। ये बात बजट भाषण में आज उन्होंने कही। कर प्रशासन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उसकी अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये बात बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आज बताई है। साथ ही 400 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार वाली जो कंपनियां हैं उन पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा, ये बात भी सामने आई है। साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए ग्राहक पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो ये ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक मोड में फेसलेस मूल्यांकन की योजना जो है वो इस बार सामने आई है, जो बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताई। साथ ही स्वचालित जीएसटी रिटर्न मॉडल लागू किया जाएगा। होम लोन की बात करें अगर हम, तो होम लोन पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर राहत दी गई है, जो कि बड़ी बात है इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा सामने आई। और इसके साथ ही अगर हम बजट के मुख्य बिंदु की बात करें, खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए बात करें, जो बात जो बिंदु सामने आए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब बजट भाषण के दौरान ये बताया कि सरकारी सुधारों के चलते बैंकिंग सेक्टर के हालात दुरुस्त हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है, एनपीए घटा है और कर्ज वसूली भी तेज हुई है। मोदी सरकार ने भारी कर्ज और एनपीए के भार से दबे बैंकों की सेहत सुधारने की दिशा में जो काम शुरू किया था उसका असर भी दिखने लगा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, आइए आपको बताते हैं। बीमा मध्यस्थ कंपनियों में 100% एफडीआई की अनुमति, सिंगल ब्रांड रिटेलिंग क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे, तो ये बात जो है वो सामने आई। विमानन, मीडिया, बीमा में
एफडीआई सीमा को और खोलने का प्रस्ताव। वाणिज्य बैंकों में एनपीए पिछले एक साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से कम हुआ है। सार्वजनिक बैंकों को क्रेडिट सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव है। सरकारी बैंकों की बात करें तो उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ है, स्थिति सुधर रही है। और निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। वर्ष 2020 के लिए विनिवेश लक्ष्य 1,05,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, क्योंकि सरकारी कंपनियों का विनिवेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी को बाजार से फंड जुटाने में सरकार मदद करेगी। ये बात बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आज बताई। साथ ही चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी। गैर वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम करने पर विचार। एनआरआई निवेश योजना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को मिलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि सार्वजनिक बैंकों को क्रेडिट सुधार के लिए भी जो है उसमें काम किया जा रहा है। और इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए विनिवेश लक्ष्य को भी बढ़ाया गया है। चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी, जो कि वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बजट भाषण में, कॉरपोरेट निवेश और बैंकिंग के लिए गैर वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% से कम करने पर विचार किया गया है। बजट भाषण में ये बात भी सामने आई है। तो ये बजट भाषण की खास बातें जो कि खास तौर पे कॉरपोरेट निवेश और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपको बता रहे हैं। सरकार का काफ़ी फोकस है, ध्यान है, और बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए जितने भी कदम उठाए गए पिछले दिनों उसका असर दिखने लगा है। और जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत हद तक इस बार के बजट भाषण में दिखाई भी दे रही है। कॉरपोरेट निवेश और बैंकिंग क्षेत्र को लेकर एनआरआई निवेश योजना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को मिलाने का प्रस्ताव भी इस बार किया गया है, जो बात सामने आई है बजट भाषण में। और एनबीएफसी को बैंकों और एमएफ से धन मिलना जारी रखना चाहिए, ये बात वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण के दौरान बताई है। तो ये वो खास बातें हैं जो कि कॉरपोरेट निवेश और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई थी आज के बजट भाषण में। और आइए इसके बाद देखते हैं कि बजट में सोशल सेक्टर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है ग्रोथ के लिए, इसमें क्या कुछ खास ऐलान हुआ है ये देखेंगे। सेबी के अंतर्गत सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की घोषणा जो की गई है बजट भाषण में, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की घोषणा की है। साथ ही 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन स्कीम, इसकी का भी ऐलान किया गया है। सेबी के अंतर्गत सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की घोषणा की गई है, और साथ ही 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन स्कीम का ऐलान किया गया है। स्वच्छ भारत, जिस पर शुरू से ही प्रधानमंत्री का जब पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का, तभी इसकी घोषणा हुई और ये अभियान चला, और आज जिस तरीके से सब लोग इसमें जुड़े हैं, इसको लेकर भी स्वच्छ भारत अभियान पर भी खासा जोर है। इसके तहत अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, ये बात आज बजट भाषण में बताई गई। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत तकरीबन 80 लाख घरों का निर्माण किया गया है। तो सोशल सेक्टर में ये वो सारी बातें हैं जो आज के बजट भाषण में निकलकर सामने आई हैं। 95% से ज्यादा शहर खुले में शौचालय से मुक्त हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश को मिली है। यह अभियान जिस तरीके से पिछले सालों में चला है और इस मुकाम तक पहुंचा है। साथ ही शोध और वित्त पोषण के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का ऐलान किया गया है। कानूनों की बात करें तो कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 लेबर कोड का प्रस्ताव है। तो ये वो बातें हैं जो कि सोशल सेक्टर के लिए रखी गई हैं आज बजट भाषण में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों को प्रमुख रूप से उठाया कि सोशल सेक्टर के लिए ये कदम उठाए गए हैं, और जो कदम पहले यानी कि पिछले कार्यकाल में उठाए गए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सारी बातें आज वित्त मंत्री के भाषण में सामने आई। तो ये थी वो सारी मुद्दे, वो सारे बिंदु जो कि सोशल सेक्टर में निकल के आए। साथ ही कानून को लेकर सुव्यवस्थित करने के लिए 4 लेबर कोड का प्रस्ताव किया गया है।
शोध और वित्त पोषण के लिए भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का ऐलान किया है। सोनिया, ओवर टू यू। शुक्रिया अमृता, आपने विस्तार से बताया हमें सोशल सेक्टर के बारे में भी, और इसी को हम आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ जितेश भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन यामिनी, पहले आप ये बताएं कि जो पेंशन बेनिफिट की जो बात की जा रही है रिटेलर्स को, और जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो क्या ये कंजम्पशन बढ़ाने के लिए होगा? क्योंकि इस सरकार के बारे में हमने ये देखा है कि ये मुफ्त में चीज़ें नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि मतलब इकोनॉमी में पैसा आए लेकिन दूसरे तरीके से। जी, ये एक सोशल सिक्योरिटी देने की बात है जो रिटेलर्स को नहीं मिलती थी या फिर अनऑर्गेनाइज लेबरर्स को नहीं मिलती थी। तो पहले इन्होंने अनऑर्गेनाइज लेबरर्स को प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के द्वारा प्रोवाइड की, एक कम से कम पैसे पे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए। रिटेलर्स की हमेशा ये डिमांड रहती थी कि हमारा बिजनेस चले जाए या हमारे पास बिजनेस ना हो, हम 60 साल के बाद हमें कोई पेंशन नहीं देता, ना गवर्नमेंट हमें पेंशन देती है, ना हमारे पास सिक्योरिटी होती है हमारे बिजनेसेस की, तो कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिटेलर्स को एक पेंशन योजना के स्थापना की है, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। ये भी कोशिश की गई है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, ये लोगों को फ्यूचर अपना जो है सिक्योर अगर वो देखते हैं तो वो ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत से देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। साथ ही जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की गई थी, वो कैसे काम करेगा? जैसे कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जैसे आप पैसा उगाही कीजिए। डिटेल्स अवेटेड हैं, बट आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कई एक्सचेंज है, जैसे कैटो है जो इंडियन कंपनी है, क्राउड रेजर है, क्राउड फंडर है, ये सब chain.org है। ये सब स्ट्रक्चर इस तरह से की गई है कि अगर आपके पास कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या कोई चैलेंज है जिसके लिए आप पैसा उठाना चाहते हैं, तो आप उस इशू को एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए और उस पे जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो पैसा देते हैं। इसमें कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स है। अब इसको सरकारी तौर पे एक प्लेटफॉर्म बनाना और उसको सेबी की एक मान्यता देना एक तरह से एक लूप होल को प्लग करना था, क्योंकि क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे कैंपेन्स भी खड़े हो रहे थे जिनका एंटी नेशनल बैंड था, जिनका जो पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहे थे। तो क्योंकि ये फॉर प्रॉफिट नहीं था, इसके लिए कोई लॉ नहीं थी, तो अब जो सरकार ने किया है उसको एक स्ट्रक्चरल रूप देंगे, उसको एक लॉ के तहत एक एक्सचेंज बनेगा जिसकी मान्यता सेबी करेगी, तो जो भी ये फंडिंग है वो मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज रूप से जाएगी। जब पैसा लाने की बात ही हो रही है तो NRI इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो काफ़ी कम है अभी भारत में, और NRIs को लेकर जो भी आज बातें हुई हैं, चाहे वो आधार को लेकर हो, क्या ये फाइनल पर्पज़ यही है कि वो बैंक अकाउंट्स खोलें भारत में और पैसा यहाँ पर आए? NRIs को जोड़ने की बात की गई है, कोशिश किया गया है कि वो अपनी धरती के साथ जुड़े रहें, और वो किस तरीके से जुड़ रहे हैं, सबसे जोड़ने का तरीका रहेगा आधार के साथ, क्योंकि अब आधार एक बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया बन गया है हर एक चीज़ का। अगर आपको घर खरीदना है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, वो आप आधार के थ्रू करिए। तो इसलिए NRIs को, ताकि वो इन्वेस्ट करें और वो जुड़े रहें, ये कोशिश की गई है आधार देते हुए। जी चलिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन के लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट है, क्या लगता है कितना अलग होगा जो अभी 5 साल हुए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगले 5 साल में हम क्या देखेंगे? देखिए सुनिए जी, एक ना फंडामेंटल शिफ्ट है जो अभी तक लोग समझे नहीं है, वो है शिफ्ट कि सरकार इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग अभी काम कर रहे हैं, सरकार ये सोच रही है इस बजट में और जो थिंकिंग क्लियरली आ रही है वो है कि हमें इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो क्रिएट करने का तरीका क्या है। तो इसीलिए अब आप देखें उस पर, जैसे इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स पे सरकार उस इंडस्ट्री को क्रिएट करना चाहती है, वो इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से या तो चीन में बैठी है या अमेरिका में बैठी है। टेस्ला जैसी कंपनी अमेरिका में बैठी है और लिथियम आयन की जो बैटरी इंडस्ट्री है वो चीन में बैठी है, क्योंकि US और चीन के बीच में तरकरार चल रही है, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है कि आप नई इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया, उन्होंने कहा कि एक सेक्टर क्रिएट होना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके लिए हम इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है सेक्टर बेस्ड इंसेंटिव से टू क्रिएशन बेस्ड इंसेंटिव को, और इसके अंदर
कुछ डिसरप्शन भी है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो एग्जिस्टिंग जो इंटरनल कम्बशन इंजन इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब्ड होगी, तो लेकिन जॉब क्रिएशन सिर्फ नई इंडस्ट्रीज से होता है, वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में जॉब एडिशन नहीं हो रहा क्योंकि वो इंडस्ट्रीज सारी ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, कॉस्ट कंट्रोल की तरफ जा रही हैं, परमानेंट वर्कर्स से टेम्परेरी वर्कर्स की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक ये मेजर शिफ्ट है थिंकिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में। ये नई इंडस्ट्रीज की जो आप बात कर रहे हो कि जॉब क्रिएशन वहां से होता है, तो क्या इस बजट में कोई झलक मिली हमको कि नई इंडस्ट्रीज को और प्रमोशन दिया जाएगा? तीन प्रमुख चीजें हैं जो इस बजट में हैं। पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ले लीजिए, फोटोवोल्टिक सेल की ले लीजिए, लिथियम आयन की लीजिए, इसके लिए सरकार ये कह रही है कि हम इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे, अगर वो लोन लेता है तो उसको 1.5 लाख तक इंसेंटिव लोन का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। ये पहली बार सरकार कर रही है कि आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको उसको लोन डिडक्शन मिलेगा। जनरली हाउसिंग को जब प्रमोट किया गया था तब हमने हाउसिंग की इंटरेस्ट को इंसेंटिवाइज किया था, तो इसी वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खड़ी हुई, रियल इस्टेट में तेजी आई। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि GST को कम करके 12% से कम करके न्यूनतम दर 5% लाएंगे, हम एक ग्लोबल बिडिंग करेंगे। तीन मैंने आपको गिना दिया, पहली चीज इनकम टैक्स में कमी करेंगे, GST में कमी कर दी है, तीसरी चीज हम ग्लोबल बिडिंग बुलाएंगे इन सेक्टर्स में, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज यहां पे आ सकें और एक कंपटीशन हो। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप को ड्राइव करने के लिए या एनिमल स्पिरिट्स को रिवाइव करने के लिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। लोग जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तभी लोग उसमें ज़्यादा शरीक होते हैं और उस कंपटीशन में ही ग्रोथ होती है। तो ये सरकार इसमें ये यही कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हों और ये एक तरह से किक स्टार्टर्स हैं, ये बूस्टर्स हैं, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन का जो रुख है वो चेंज होता है। मान लीजिए आपके पास लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होती है, तो उसका ये मतलब है कि आपके देश में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनेंगी उनके दाम दुनिया में कम होंगे, दुनिया से सबसे ज़्यादा कम होंगे। तो यानी कि आप फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या अफ्रीका जैसी कंट्रीज में जहाँ पर हम ऑलरेडी इंटरनल कमीशन, हमारी मोटरसाइकिल आज की तारीख में अफगानिस्तान मतलब पूरे साउथ एशिया में जा रही है और अफ्रीका में जा रही है। अब यही देखिए कि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान से बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन देशों में जाने शुरू करें तो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है उसको भी क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जा रहा है। ये नहीं कि आपने ये कह दिया कि फलाने इंडस्ट्री को अब हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। दूसरा शिफ्ट जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बोरिंग का जी, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है और उसमें आप देखिए दो चीजें प्रमुख तरह से हुई। हम उस पर भी आएंगे, उस पर लगातार चर्चा करेंगे। इस बीच मेरी सहयोगी के पास चलते हैं, स्मृति में हमारे साथ हैं और वो हमें बता रही हैं कि MSME सेक्टर में किस तरह के प्रावधान इस बार किए गए हैं। जी बताएं स्मृति। थैंक यू सो मच सोनिया। द MSME सेक्टर इज अ बिग ड्राइवर ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड प्लेज अ की रोल इन जनरेटिंग जॉब्स। देयर आर 63.38 million unincorporated non-farm MSMEs in the country engaged in different economic activities. The sector employs more than 49.77 million people. Growth in the MSME sector has the potential to bump up the country's economy and create more formal jobs. Among the various important announcements in the MSME sector made today by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, the primary focus was to facilitate easy access. Loans of up to 1 crore rupees will be granted to MSMEs within 59 minutes through a dedicated online portal. To bring MSMEs under the formal economy's fold, a payment platform for the MSMEs will be set up. Third important point is that this comes in the backdrop of the government's plan to start an e-commerce platform on the lines of Amazon and Alibaba to sell products from MSMEs. Now, government has allocated 350 crore rupees for all the GST registered MSMEs. Government has also announced a pension scheme for 30 million small traders. All small shopkeepers and self-employed persons, as well as the retail traders with GST turnover below 1.5 crore rupees and age between 18 to 40 years, can enroll for this scheme. The scheme would benefit more than 3 crore small shopkeepers and traders. And Sonia, also
Talking about the infrastructure sector, Nirmala Sitharaman has announced plans to reach $5 trillion US dollar economy. Heavy investment in infra, digital economy, job creation. Bharatmala is a project to develop the roads, highways, Sagarmala to enhance port connectivity. Finance Minister Nirmala Sitharaman has also proposed a One Nation, One Grid for power sector. FAME II scheme to encourage faster adoption of electric vehicles. 50 lakh crore investment between 2018 and 2030 for rail infrastructure. Restructuring of National Highways Program for creating National Highways Grid. Also under Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, 30,000 kilometers of road to be built using green technology. Under this scheme, phase 3 of the scheme, 30,000 kilometers road length has to be built in the next 5 years. Also, 80,250 crore rupees dedicated to build 1,25,000 kilometers of roads in the next 5 years. Also, 100 lakh crore rupees for infrastructure over the next 5 years in the infrastructure sector. Over to you, Sonia. जी शुक्रिया स्मृति. हम इसी को आगे बढ़ाते हैं जो आपने हमें बताया. तो यामिनी, आप ये बताएं कि जिस तरह से वन नेशन वन ग्रिड की जो बात कही गई थी उसको अगर आप एक्सप्लेन करें, चाहे वो गैस हो, वाटर हो, हाईवेज हो, ईवेज हो. जी वन नेशन वन ग्रिड की बात की गई है ताकि जो है जो पावर डिस्कॉम्स को प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको जो है रिजॉल्व किया जा सके और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाईज हैं उनको एट लोअर कॉस्ट जो है स्टेट्स को प्रोवाइड कर सकें ताकि वो आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करें उसे वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पे करें. इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए और अगर उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है. इसलिए कोशिश की गई है कि ये वन ग्रिड वन नेशन की बात करें. पहले ही उन्होंने कोशिश की है कि जो नेशन है उसको यूनाइट करें, चाहे वो GST के द्वारा हो, चाहे वो बाकी स्कीम्स के द्वारा हो. जी, और साथ ही अगर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या इस बजट में आप देखते हैं? देखिए, रेलवे में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिस पे करीब 7 साल से काम चल रहा है और उस पे एलोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों करने की ज़रूरत थी. तो उस पे सरकार ने पैसा दिया है. वन नेशन वन ग्रिड के बारे में मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि टिपिकली जब भी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज हुआ है या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उसमें आई हैं तो वो ज्योग्राफिकली डिवाइड हुआ है. मान लीजिए बम्बई में किसी को गैस का दे दिया, लखनऊ में किसी को बिजली का दे दिया या अहमदाबाद में किसी को पानी का दे दिया या फिर बिजली के बीच में ही कई अलग अलग कंपनीज अलग अलग ज्योग्राफी में काम करती हैं. अभी जो ये बजट में जो स्टेटमेंट आया है कि वन नेशन वन ग्रिड, इसका ये मतलब है कि इंटर ऑपरेबिलिटी रहेगी. इंटर ऑपरेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक खासतौर से बिजली के अंदर जो ट्रांसफ़र है और जो प्राइसिंग है खासतौर से सरप्लस स्टेट से डेफिशिएंट स्टेट में. अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ है जो पावर सरप्लस है और उसको सप्लाई करनी है बिजली नॉर्थ ईस्ट में जो पावर डेफिशिएंट है या बिहार में जो पावर डेफिशिएंट है तो उसके लिए एक नेशनल ग्रिड की जरूरत है. उसी तरीके से गैस में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सिटी वाइज कंपटीशन लाने के लिए आपके पास एक कॉमन ग्रिड होना चाहिए जिससे कंज्यूमर को चॉइस मिले अगर वो अपना प्रोवाइडर चेंज करना चाहे. जी, यानी कि भारत और इंडिया दोनों जो है एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और रूरल और अर्बन इंडिया जो है वो एक साथ मिल रहा है. जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी था कि स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भारत की वो यहाँ पर कामना करती हैं. चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो राज्यसभा टीवी पर चर्चा रहेगी जारी, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी.